हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम है विद स्पेशलिटी फूड इंटीग्रेडिएंट लिमिटेड कंपनी। इस कंपनी को 1994 में बनाया गया था। ये जो कंपनी काम करती है ये सुपीरियर सिंथेटिक और जो नेचुरल फूड ग्रेड कलर होते हैं उनको बनाने का काम ये करती है। ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फूड निर्माता कंपनी भी है। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं उसमें फूड बेवरेजेज, कन्फेक्शनरी, फार्मास्यूटिकल, पेट फूड, कॉस्मेटिक, इंक जेट शाई, पर्सनल केयर, जो होम केयर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको ये बनाने का काम करती है। इस कंपनी के जो मुख्य प्रोडक्ट हैं उनमें सिंथेटिक वाटर सोलूबल कलर्स, एल्युमिनियम लेक्स, FD&C कलर्स, FD&C लेक्स, DNC कलर्स, ब्लेंड्स, को ब्लेंडेड लेक्स एंड को ब्लेंडेड ग्रेनुअल्स, नेचुरल कलर्स, बी साइड फूड कलर्स, ये जो प्रोडक्ट हैं ये इनको बनाने का काम करती है। इसके अतिरिक्त ये हाई क्वालिटी के नॉन फूड डाई बनाने का काम भी करती है। इनमें एसिड डाई हो गया, टेक्सटाइल्स डाई हो गया, रिएक्टिव डाइज हो गया, बेसिक डाई हो गया और पिगमेंट्स हो गया। ये इनको बनाती भी है और इनको एक्सपोर्ट करने का काम भी ये करती है। ये अपने प्रोडक्ट को 80 देशों में एक्सपोर्ट करती है। इनमें ये यूरोप से 23% का रेवेन्यू जनरेट करती है, नॉर्थ अमेरिका से 50% का, अफ्रीका से 3% का, ऑस्ट्रेलिया से 16% का रेवेन्यू जनरेट करती है। 2021 में इसने 66% का रेवेन्यू एक्सपोर्ट करके जनरेट किया था और 2021 में 34% का रेवेन्यू इसने डोमेस्टिक बाजार से जनरेट किया था। इसकी विनिर्माण की जो सुविधाएं हैं वो 1,76,000 स्क्वेयर फीट में फैली हुई हैं जो कि महाराष्ट्र में है। इसकी जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो 3900 MTPA है। इसकी जो ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इनका ऑडिट भी हो चुका है और जो ये ऑडिट हुआ था उसमें इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उनको ठीक पाया गया। इस कंपनी की खुद की सब्सिडियरी कंपनी भी है जिसका नाम अर्जुन फूड कलरेंट्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। ये जो कंपनी है ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी यूनिट स्थापित करने लग रही है गुजरात में। इसकी क्षमता 4320 MTPA की है और इसको बनाने में 30 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। इसके अलावा ये 4200 MTPA कैपेसिटी की एक यूनिट और भी बनाने लग रही है महाराष्ट्र में और इसको बनाने में भी 30 करोड़ रुपए की लागत लगेगी। 2023 के अंत तक इसको बनाया जाना है। अगर इसके क्लाइंट देखें तो इसमें ब्रिटानिया, नेस्ले, कोका कोला, सिप्ला, यूनिलीवर, फाइजर, स्नोफी, कैडिला, रसना, डॉक्टर एंड गैम्बल, पेप्सी, ITC और मोंडिलेज जैसे क्लाइंट इसमें शामिल हैं। यहाँ से अपना ये 60% का रेवेन्यू जनरेट करती है। इस कंपनी ने अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के लिए रोआ में एक रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिट भी स्थापित की है। ये जो यूनिट होगी ये इनके जो प्रोडक्ट होंगे उनकी गुणवत्ता की जाँच ये करेगी। इस कंपनी ने 2021 में महाराष्ट्र के रंबापुर में 2 MW की क्षमता वाला सोलर पावर प्लांट भी लगाया है। इसकी जो कुल लागत होगी वो जमीन के साथ 9 करोड़ रुपए की होगी। तो ये तो था इसका बिजनेस मॉडल। इसकी जो मार्केट कैप है वो 1701 करोड़ रुपए की है। इसका जो बांड विकाई है वो 514 रुपए है और जो लो है 331 रुपया है। इसके डिविडेंट यील्ड की बात करें तो 0.23% की है। इसका जो ROCE और जो ROE है वो भी काफ़ी अच्छा है। ROCE 33.20% है और जो ROE है वो 31% है। अगर इसके प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो इसकी जो 12 महीने की जो सेल्स है वो 534 करोड़ की है और इसकी जो अदर इनकम है वो 2 करोड़ की है। अगर इसके नेट प्रॉफिट की बात करें तो 52 करोड़, 59 करोड़, 37 करोड़, 34 करोड़, 29 करोड़। अगर इसकी सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 साल की 17% है और प्रॉफिट ग्रोथ 10 साल की 33% है। CAGR 10 साल का 55% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 10 साल की 27% है। ये जो आंकड़े काफ़ी इंप्रेसिव हैं। अगर इसके ऊपर कर्जे की बात करें तो 66 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा है जिसके ऊपर ये सालाना 5 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट भी पे करते हैं। और अगर आप इसकी रिजर्व कैपिटल देखोगे तो इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो लगातार बढ़ने लग रही है। 96 करोड़, 124 करोड़, 157 करोड़, 212 करोड़, अब फाइनली 232 करोड़ की है। TWIP की बात करें तो 54 करोड़ के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो अभी बनके तैयार नहीं हुए हैं। जैसे ये बनके तैयार हो जाएंगे तो इसकी सेल जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी बढ़ जाएगी। और अगर इसकी टोटल एसेट देखें तो ये देखिए 70 करोड़, 186 करोड़, 226 करोड़, 352 करोड़, 349 करोड़। तो इसकी जो टोटल एसेट है वो भी लगातार बढ़ने लग रही है। अगर इसमें प्रमोटर की होल्डिंग देखें तो ये देखिए इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो काफ़ी लंबे समय से 64.28% की बनी हुई है। और अगर FII और DII की होल्डिंग की बात करें
तो इसमें FII की होल्डिंग 0.08% की है और जो DII है वो भी अपनी होल्डिंग को इसमें लगातार बनाते रहते हैं और जैसे उनको प्रॉफिट मिलता है तो वो इसको सेल आउट कर देते हैं। अभी जो DII की इसमें होल्डिंग है वो 0% की है। अच्छा, बात करते हैं इसको बाय करें, सेल करें या होल्ड करें। अभी इसका जो करंट प्राइस है वो 341 रुपये के ऊपर अभी ये ट्रेड करने लग रहा है। इसके जो एडवांटेज हैं वो यह हैं, इसकी जो सेल जो लगातार बढ़ने लग रही है, इसका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ने लग रहा है, इसकी जो एसेट है वो भी लगातार बढ़ने लग रही है। चौथा, ये डिविडेंड देने वाली कंपनी है। पाँचवा, इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है 64.50% की है। तो देखिए, अगर आप इस स्टॉक को बाई करके एक या दो साल तक इसको होल्ड करते हैं तो इसमें आपको बहुत ही अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, और अगर आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए भी बाय करते हैं तब भी आपको इसमें एक अच्छे प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक है और एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। सो आई होप दोस्तों आपको जो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।